हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बीएसएससी इंटरव्यू से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो ऑफिशियली जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बिहार एसएससी इंटरव्यू से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो ऑफिशियली जारी हुआ है, जिसमें 78 को बहुत सारे स्टूडेंट पटना गए थे, वहाँ धरना दिए थे, उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें क्या क्या जारी हुआ है सब बताएंगे, और जो आप कहते हैं तो रिजल्ट रुका हुआ था, आखिर क्यों रुका हुआ था, जो क्वेश्चन लीक होने वाली बात थी उस पर क्या हुआ, बिहार से ने उस पर क्या डिसीजन लिया, और जो क्वेश्चन लीक हुए थे उस पर क्या निष्कर्ष निकाला, और रिजल्ट तिथि आपका क्या घोषित किया गया है, और ऑफिशियल कटअप क्या जाएगा, और मेंस एग्जाम का डेट और सिलेबस जारी किया गया है, तो कितने तारीख से आपका मेंस एग्जाम होगा, ये सभी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। सिर्फ वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिएगा, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे जो लोग भी बिहार से इंटर लेवल का एग्जाम दिए होंगे उन लोगों के पास ये नोटिफिकेशन या जानकारी सही समय पहुंच पाएगा, जिससे वो लोग अपना सही समय पर अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे, और जो ऑफिशियल कटअप आया है वो जरूर देख ले, और मेंस एग्जाम का जो डेट फिक्स किया गया है और सिलेबस वो जरूर जान ले, क्योंकि सिलेबस में कुछ चेंजिंग हुआ है मेंस एग्जाम का, और डेट भी बहुत नजदीक फिक्स कर दिया गया है। और सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि जो 18 तारीख को बहुत सारे स्टूडेंट पटना गए थे उन लोगों का धन्यवाद कीजिए, जिनके कारण हम लोगों का ये रिजल्ट आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, 18 तारीख को बहुत सारे स्टूडेंट और कुछ नेता भी गए थे वहाँ पर, जिसका से धरना हुआ, धरना में बिहार एसएससी का ऑफिसर से बात हुई, उसके बाद आपका जो रिजल्ट थी ये घोषित किया गया है। तो सभी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में, सिर्फ वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिएगा, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहले तो ये जान लीजिए कि आपका रिजल्ट इतने दिनों से रुका हुआ क्यों था, जो रिजल्ट नहीं आ रहा था, आखिर बिहार एसएससी जो इस पर क्या मतलब निष्कर्ष निकाल रही थी जो इतने दिनों से रुकी हुई थी, और जो धरना में बातें हुई वो सब मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, जब 18 तारीख को बहुत सारे स्टूडेंट पटना गए थे तो वहाँ पर ये बात हुई कि आखिर रिजल्ट अगर रुका हुआ है तो एग्ज़ाम कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम लिया जाए, अगर कोई उसमें क्वेश्चन लीक होने की बातें आ रही है तो, अगर नहीं क्वेश्चन लीक हुआ है तो रिजल्ट हम लोगों का दिया जाए, हम लोग इसमें मतलब जॉब करेंगे, मतलब इतने दिनों से जो 2014 का वैकेंसी था अभी तक इसका रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो बिहार एसएससी ने बताया कि जो बीच में क्वेश्चन लीक परीक्षा के बाद क्वेश्चन लीक होने की बातें सामने आ रही थी, तो क्वेश्चन लीक होने की बातें सामने आ रही थी तो एक बार बिहार एसएससी ने एक नोटिस भी जारी किया था कि अगर किसी के पास क्वेश्चन लीक होने का पर्चा है, यानी क्वेश्चन लीक हुआ जो हुआ था या व्हाट्सएप पे उसको आया था उसका फोटो है, तो वो बिहार एसएससी को सूचित करे, बिहार एसएससी उस पर जाँच करेगी, अगर वो पाया गया कि हाँ एग्जाम से पहले क्वेश्चन लीक हुआ है तो एग्जाम कैंसिल करके फिर से एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन अगर ये फिक्स नहीं हो पाएगा कि अगर वो क्वेश्चन जो लिख हुए हैं एग्जाम से पहले लिख हुए हैं, कहीं वो बाद का फोटो होगा एग्जाम के बाद का, तो इसमें एग्जाम कैंसिल करने की कोई बात ही नहीं उत्पन्न होती। तो आप जानते हैं ऐसे भी कि बिहार से जो एग्जाम लेता है, एग्जाम लेने के बाद करता क्या है, क्वेश्चन अपने पास रख लेता है। लेकिन क्या हुआ जो उस दिन मतलब बिहार के एग्जाम में हुआ क्या आखिर में, कि एग्जाम के बाद कुछ स्टूडेंट क्या किया, उसका फोटो खींच करके मतलब जांच में जो पाया गया वो मैं बता रहा हूँ। तो बिहार से ने जो सूचना दी है उसमें कि जो एग्जाम हुआ था, एग्जाम के बाद क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट उसका फोटो खींच करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास भेजने लगे, क्योंकि एग्जाम खत्म होता है उसके बाद मतलब कुछ टाइम के लिए समय मिल जाता है, जिसका कुछ स्टूडेंट क्या किए गलती से उसका फोटो खींच लिए और उसका इधर से उधर अपने दोस्तों रिश्तेदारों को उसका फोटो भेजने लगे। अब उससे क्या हुआ कि फेसबुक व्हाट्सएप पर ये फोटो वायरल हो गया और सभी स्टूडेंट को ये लगने लगा कि ये क्वेश्चन जो है पहले ही एग्जाम से पहले लिख हुए, क्योंकि सभी तो जानते हैं कि बिहार से क्वेश्चन ले जाने नहीं देता है, फिर फोटो आया कहाँ से, तो सभी को ये शक होने लगा कि क्वेश्चन जो है एग्जाम से पहले लिख हुए, अगर पहले लिख हुए हैं तो हम लोगों ने जो मेहनत करके जो क्वेश्चन बनाया है, जिन लोगों के पास लीक वाला पहुंचा होगा वो तो ज़्यादा बनाए होंगे, हम लोगों का जो मेहनत है वो बेकार चला जाएगा, जिसके कारण से बहुत सारे स्टूडेंट भी इस पर सवाल उठाए थे कि अगर क्वेश्चन लिख हुआ है तो एग्जाम कैंसिल हो। लेकिन बिहार से जो एग्जाम लेने में तो खर्च बहुत ज़्यादा आता है, दो बार एग्जाम हुआ 2014 का वैकेंसी था, दो बार बीच में एग्जाम होकर कैंसिल हुआ, ये तीसरा एग्जाम जो था आपका जिसका रिजल्ट आ रहा है, तो बिहार से बार बार सिर्फ एग्जाम लेगा तो उसमें पैसे भी तो खर्च होते हैं। तो बिहार से ने इस पर कहा कि बिल्कुल इस पर जांच किया जाएगा, अगर सही पाया गया सही में क्वेश्चन लीक हुए हैं तो उचित कार्रवाई की जाएगी और एग्जाम कैंसिल करके उस डेट का फिर से एग्जाम होगा, लेकिन उसमें यह पाया गया कि क्वेश्चन जो लीक होने की बात थी सरासर गलत थी। तो आप ये जान गए कि क्वेश्चन जो लीक हुए थे वो सरासर नहीं ही हुए थे, इसलिए आपका रिजल्ट आ रहा है। अब कितने तारीख को आएगा, कटअप क्या जाने वाला है वो पहले जान लीजिए, और मेंस एग्जाम का डेट और सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, सिलेबस में कुछ चेंजिंग आया है, क्या क्या सिलेबस है वही मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 18 तारीख को स्टूडेंट गए थे उन लोगों का शुक्रिया करने लायक है, क्योंकि उन लोगों के ही मेहनत से समझिए ये रिजल्ट आ रहा है। और दोस्तों, आप भी चाहते हैं इस तरह का पल-पल का अपडेट मैं आपको देते रहूं, आपको भी हेल्प करते रहूं, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नया जानकारी नया अपडेट आता है सबसे पहले सबसे आगे मैं लेकर आता हूं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब आइकन होगा उसे दबा करके साथ में घंटी के आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहेगा। चलिए दोस्तों, पहले मैं कटअप बता देता हूं, उसके बाद कैसे रिजल्ट चेक करना है वो मैं बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ कटअप में देखने वाली ये बात है कि कटअप इस बार बहुत ही कम जा रहा है। कारण क्या है कटअप जाने का, मैंने भी देखा कटअप तो मुझे आश्चर्य हुआ, आपको भी आश्चर्य होगा कि कटअप बहुत ही कम जा रहा है, और जो लोग भी बचे हुए हैं बिहार एसएससी का एग्जाम मतलब कि जॉब करने के लिए, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इस बार शुभ अवसर है कि उन लोगों का जॉब हो जाएगा। क्यों?
कि कटअप बहुत कम जा रहा है। कारण दो तीन कारण है इसका कटअप कम जाने का। एक तो 2014 का वैकेंसी था, अभी 2019 आ गया। अब इतने दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट थे जो दूसरे जॉब में चले गए, उन्होंने बिजनेस कर लिया और बिहार एसएससी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। और उसके अलावा बीच में जो बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ उस समय प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा कि लगभग 40% स्टूडेंट ही प्रेजेंट हो पाए थे, कहीं कहीं 50, कहीं कहीं 40, कहीं कहीं तो था 30% ही प्रेजेंटेशन था। अब वो हो गया। उसके अलावा बीच में जो ग्रुप डी और लोको पायलट का एग्जाम हुआ उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जॉब में चले गए। जो भी टैलेंटेड लोग बच गए या जो दूसरे मतलब स्टेट में जॉब कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमें बिहार में जॉब हो, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा खुशखबरी है कि इस कारण से ही उनका कटअप कम जा रहा है। कटअप कितना जा रहा है वो देख लीजिए। तो जनरल का जो कटअप जा रहा है, जनरल का वो आपका जाने वाला है 78। जी हाँ दोस्तों, जनरल कटअप 78। जनरल के बाद बात कर लेते हैं ओबीसी का कटअप। तो ओबीसी का जो जाने वाला है कटअप, वो जाने वाला आपका 73 जाने वाला है। 73.5 है, लेकिन 73 ही इसको लगभग लगभग रखिए। उसके बाद ईबीसी का कटअप जो बताया गया है, ईबीसी का वो आपको बताया गया है 70। ईबीसी के बाद बात करते हैं एससी का कटअप। तो एससी का जो कटअप बताया गया है वो आपका 65 बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं एसटी का कटअप। तो एसटी का जो कटअप बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 60। तो ये तो हो गए कटअप से संबंधित बातें। यहाँ पर एक सर्विस मैंने कटअप नहीं अपलोड किया गया है। आखिर क्यों नहीं किया गया? उस समय शायद वैकेंसी में नहीं था, या फिर इसके बारे में बाद में डिटेल्स अपलोड किया जाएगा। लेकिन एक सर्विस मैंने का यहाँ कटअप अपलोड नहीं किया गया है। अगर अपलोड किया जाता है तो मैं आपको उचित माध्यम से बता दूंगा। तो ये तो हो गए कटअप संबंधित बातें। अब जो मेंस एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस क्या जारी किया गया है? तो मेंस एग्जाम जो होने वाले हैं आपके पेपर दो पेपर में होने वाले हैं। बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम होगा, लेकिन इसमें पास मतलब ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन पास होना जरूरी है। पेपर वन होगा, पेपर टू होगा। पेपर वन में जो क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 नंबर का, यानी कुल मिला के 600 नंबर का एग्जाम होगा। अब यहाँ पर सवाल उठते हैं कि सर इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी होगा? जी नहीं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 150 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी 600 नंबर का एग्जाम होगा। इससे पासिंग जो मार्क्स है वो 30.33। जी हाँ, 30.33% आपको पासिंग के लिए चाहिए, यानी कि लगभग 45 से 50 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो समझिए आपके रिजल्ट आ जाएंगे पेपर वन में। पेपर टू जो होगा, पेपर टू में भी 150 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 नंबर का, यानी इसमें 600 नंबर का एग्जाम होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर यहाँ पास की बात की जाए, पासिंग के लिए कितना चाहिए, तो 30.33% पासिंग मार्क, यानी लगभग 45 से 50 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं समझिए आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये तो हो गए आपके रिजल्ट संबंधित बातें। अब चलते हैं सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा वो देखते हैं। तो जो पेपर वन का सिलेबस होगा उसमें पेपर वन में हिंदी से क्वेश्चन आएंगे। पेपर वन का जो सिलेबस है उसमें हिंदी से क्वेश्चन सिर्फ आएंगे। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं बता दूंगा इस वीडियो में। देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक से आएंगे। मैं उसका पीडीएफ भी दिखा सकता था, जो सिलेबस का मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है, लेकिन वो पीडीएफ दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कुछ कम समय में इस वीडियो को बनाना। तो आप यहाँ पर सुन लीजिए जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ, चाहे तो आप इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाइए, जिससे मैं आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों, जो सिलेबस है वो देख लीजिए। तो हिंदी में जो पेपर वन में टॉपिक पूछे जाएंगे, हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन होगा, विराम चिन्ह से, उपसर्ग प्रत्यय, संख्या सर्वनाम, संधि कारक, अशुद्धियाँ, प्रमुख बोलियाँ, हिंदी साहित्य, अनेक शब्दों के एक शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, इन सभी चैप्टर से आपके हिंदी में क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा पेपर टू में जो होगा, पेपर टू में वो जीके क्वेश्चन होंगे, जीके के, रीजनिंग के, मैथ्स के, ये तीनों क्वेश्चन होंगे, तीन टाइप के क्वेश्चन होंगे। जीके से होगा 75 क्वेश्चन, रीजनिंग से होगा 50 क्वेश्चन, मैथ्स से 25 क्वेश्चन, इन कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन। अब जीके में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे? तो जीके में जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके जीके में, वो साइंस से 25 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से 15 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस से 6 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन, बिहार जीके से 10 क्वेश्चन, क्योंकि बिहार का ही एग्जाम है इसलिए बिहार जीके से खास करके 10 क्वेश्चन होगा। उसके बाद रीजनिंग से जो क्वेश्चन आएगा वो कथन कारक से आएगा, बैठक सेटिंग, दिशाएं, घड़ी, दर्पण, कोडिंग डिकोडिंग, पासा, रिश्ता, कैलेंडर, इन सभी चैप्टर से रीजनिंग में क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका भी मैं टॉपिक बताता हूँ। प्रत्येक टॉपिक के लिए मैंने अलग से ट्रिक अपलोड कर दी है, जिस ट्रिक को अगर आप पढ़ लेते हैं, उस वीडियो को देख लेते हैं, तो उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक के क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकंड के अंदर में बिना कलम कॉपी के ही बना सकते हैं। तो आप चाहे अगर चाहते हैं उस टॉपिक को देखना चाहते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को देखना चाहते हैं, तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। चलिए बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक से मैथ में क्वेश्चन आएंगे। औसत से, लाभ हानि से, प्रतिशत से, कार्य समय से, पाइप टंकी से, रेलगाड़ी से, नाव से, बेलन शंकु, पाई चार्ट, इन सभी चैप्टर से आपके मैथ्स में क्वेश्चन होंगे। मैंने पहले भी बता दिया कि मैं चाहता तो वीडियो भी पीडीएफ भी दिखा सकता था, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं सिर्फ बोल दिया हूँ। चाहे तो उस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया उसमें जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। और उसमें जाने के बाद आप हमें कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे इसका जो सिलेबस है उसका पीडीएफ भेज दीजिए, मैं आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पर उसका पीडीएफ भेजूंगा। और वहाँ से स्टडी मटेरियल भी आप ले सकते हैं, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार एसएससी, मेंस का एग्जाम, मतलब जो भी एग्जाम होने वाला है उसका स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट,
मॉडल सेट आपको वहाँ से बिल्कुल फ्री में पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाता है, उसका सोल्यूशन आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भेज करके भी देख सकते हैं। दोस्तों एक बार नीचे नोट्स में लिखा हुआ है जो सिलेबस के नीचे कि जो भी यहाँ सिलेबस बताए गए हैं परीक्षा में उससे थोड़ा बहुत भिन्न क्वेश्चन आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा में जो क्वेश्चन आएंगे आपको उससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन भिन्न आ सकते हैं परीक्षा में, इसलिए आप बिल्कुल गहराई से पढ़िए, क्योंकि अगर क्वेश्चन कुछ अलग से आते हैं तो फिर आप लोग सोचिएगा कि जो सिलेबस बताया गया था उसी में से नहीं आए हैं। तो इसलिए इसमें नोट्स में लिख दिया गया है कि अगर परीक्षा में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे थोड़ा बहुत भिन्न हो सकते हैं, इसलिए आप बिल्कुल गहराई से तैयारी कीजिए। तो ये तो हो गया आपको सिलेबस संबंधित बातें। अब रिजल्ट कैसे चेक करना है, कितने तारीख को चेक करना है, तो दोस्तों रिजल्ट जो आपका आ रहा है इसी महीने के लास्ट वीक में आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी महीने के लास्ट वीक में जो एक्सपेक्टेड डेट बताया जा रहा है ये नहीं फिक्स किया गया है कितने तारीख को आ रहा है, क्योंकि 18 तारीख को पटना गए थे बहुत सारे स्टूडेंट, तो वहाँ पर ये बातें हुआ, तो उसमें उन्होंने जो बीआरसीसी के ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि अभी तो मैं कुछ निष्कर्ष नहीं ले सकता हूँ, इस पर बहुत सारे ऑफिसर से मतलब राय विचार लेना है, उसके बाद इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो हाँ, बहुत सारे जो नेता भी गए थे कुछ नेता, तो उनको बहुत सारे बातें समझाई गई, तो उन्होंने कहा ठीक है हम लोग फिर एक बार और इंतजार कर लेते हैं। तो उसी दिन ये बात हुआ था कि रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन आज वेबसाइट पर जो अपलोड किया गया है रिजल्ट तिथि, उसमें यह बताया गया कि इसी महीने के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी हो रहा है, और उसके बाद रिजल्ट जारी होने के बाद जो मेंस एग्जाम का डेट बताया जा रहा है वो अगले महीने में 15 से 20 तारीख को बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब तक ये रिजल्ट जारी नहीं हो जाता है तब तक मेंस एग्जाम का डेट भी फिक्स नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो भी डेट एक्सपेक्टेड है 15 से 20 तारीख के बीच में ही वो भी एग्जाम होगा। हो सकता है 15 से 20 बताया जा रहा है तो कहीं मतलब उस डेट से 15, 16, 17 ऐसे करके एग्जाम हो, लेकिन 15 से 20 बताया जा रहा है, और जो ये आपका एग्जाम बताया जा रहा है रिजल्ट बताया जा रहा है ये आपका इसी महीने के लास्ट वीक में आ जाएगा। रिजल्ट चेक करने के लिए लिंक एक्टिव हो गया हुआ है, लेकिन वो अभी कमिंग सून बता रहा है, आप क्लिक कीजिएगा तो अभी कमिंग सून लिखेगा। अब रिजल्ट कैसे चेक करना है वहाँ पर अभी प्रोसेस नहीं मालूम चला, क्योंकि जब तक वो लिंक खुलता नहीं है मैं चेक करके आपको बता नहीं सकता हूँ। तो लिंक अभी एक्टिव सून बता रहा है, आप चाहे तो उसे क्लिक करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। अगर वो लिंक नहीं खुलता है तो डायरेक्टली आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ से क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं, रिजल्ट वहाँ पर आपको मिल जाएगा बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल का रिजल्ट घोषित, उसमें आप क्लिक कीजिएगा तो अभी कमिंग सून बताएगा, उसमें जो डेट दिया हुआ है ब्रैकेट में कि इसी महीने के लास्ट वीक में आपका जारी हो जाएगा रिजल्ट, तो वहाँ से क्लिक करके चेक करते जाइएगा। कटअप मैंने बता दिया है, मेंस एग्जाम का डेट भी मैंने बता दिया है, सिलेबस बता दिया है, और आप चाहते हैं इस तरह से पल पल का अपडेट आपको सिर्फ मिलते रहे हमारे इस चैनल पर, तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमें लगा कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आपको मैं इस तरह से आगे भी जानकारी देते रहूँगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बताएं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, एंड टेक केयर फ्रेंड्स।